नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। व्यापारियों को आर्थिक पैकेज देने के साथ बाजारों को खोलने की मांग की जा रही है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए हल्द्वानी में कई व्यापारियों ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के आवास पर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों की मांग है कि कर्फ्यू के चलते उनका व्यापार ठप हो चुका है और वो लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, लिहाजा विपक्ष सरकार से व्यापारियों को आर्थिक पैकेज देने की मांग करे। व्यापारियों का यह भी कहना है कि लॉकडाउन को जल्द से जल्द समाप्त कर सरकार बाजार खोलने की अनुमति दे ताकि लोगों की आर्थिक परेशानी का हल निकाला जा सके। सुबोध उनियाल ने भी यही आश्वासन दिया, कल से हम झील देने भी जा रहे हैं, खुलवाने भी जा रहे हैं। और अभी मदन कौशिक जो इनके अध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने जानकर बात की, उन्होंने उनकी भी कमेटी बनी हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी की ओर से हैं और सुबोध उनियाल भी एक मेंबर है। सुबोध उनियाल से इसलिए बात की, तो मुझे लगता है कल से ये राहत देंगे। मैंने कहा चरणबद्ध तरीके से कर सकते हो, वो खुद ही पुराने पॉलिटिकल लोग हैं, सब जानते हैं, मेहनत करके जब दबाव बनाएगा दबाव से ही होता है काम। मुझे लगता है कल से राहत देंगे। देखिए, एक जून से हम लोग जो है अनलॉक के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लगातार इस प्रक्रिया में लगे हैं कि सरकार को हम ये चेताएं कि आप पोजीशन जो है बाज़ार को खोलने लायक हो चुकी है और हमारा व्यापारी 15 महीने से परेशान बैठा हुआ है, उनके कर्मचारी भुखमरी के आधार पर आ चुके हैं। ऐसे में जगह जगह से हम लोगों को दबाव पड़ रहा है कि किसी हालत में भी आप जो है बाज़ार खुलवाइए। तो हम तो अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनकी जनता हैं, हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनके आवाम हैं, अगर हमें वो दबाने की कोशिश करेंगे तो एक। चमोली में व्यापारियों ने बंद दुकानों को खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी मांग को लेकर थाली व ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। व्यापारियों ने कहा कि 1 जून से सभी व्यापारी बाजार खोलने का इंतजार कर रहे थे लेकिन सरकार द्वारा उनको कोई भी राहत नहीं दी गई। दुकान व शोरूम न खुलने से व्यापार ठप हो चुका है, इसके बावजूद व्यापारियों को बैंक की किश्त, दुकान का किराया व बिजली के बिल को देना पड़ रहा है। पूरे विश्व में इसने अपना जो है पदार्पण किया है, तब से व्यापारी हमेशा पूरे भारतवर्ष के साथ कंधे से कंधे में लगकर खड़ा है। अब जितने पिछले साल से जितना लॉकडाउन हुआ है उसके सबसे ज़्यादा मार कोई झेल रहा है तो व्यापारी वर्ग है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक आदमी इससे अछूता नहीं है। व्यापारियों की मांग ये है कि हमारी जो है कर्जा माफ़ी की जाए, व्यापारी जितने शोषित हुए हैं उनकी कर्जा माफ़ी की जाए, बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। व्यापारी अभी भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से खड़ा होना चाहता है, परंतु सरकार को भी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बीच हाई पावर कमेटी द्वारा कैदियों को 3 महीने के पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल भी कोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल में 288 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया था, जिसमें 157 कैदी ऐसे हैं जो पैरोल अवधि खत्म होने के बाद भी वापस जेल नहीं पहुंचे। जेल अधीक्षक सतीश सुखीजा ने बताया कि इस बार कोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल जिले से 169 कैदियों की रिहाई होनी है, जिसमें से अभी तक 125 कैदियों की रिहाई हो चुकी है जबकि बाकी अन्य कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जेल में 248 कैदियों की रिहाई होनी थी जिसमें से 223 कैदियों की रिहाई फिलहाल हो चुकी है, लेकिन जेल अधीक्षक ने यह भी बताया कि कुछ कैदियों के परिवार ऐसे हैं जो उन्हें घर नहीं ले जाना चाहते हैं। हल्द्वानी में व्यापारियों ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के आवास पर प्रदर्शन किया। व्यापारियों के इसी प्रदर्शन को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नई नवाब ने भी इंदिरा हृदयेश पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा हृदयेश इस कोरोना महामारी के दौर में भी अपने घर में व्यापारियों से प्रदर्शन कराकर षड्यंत्र करने का काम कर रही है। आज जब पार्ट 2 कोविड-19 का हुआ और महामारी फैली तो नेता प्रतिपक्ष को कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आकर के अपने व्यापारी, कुछ जो उनके समर्थक कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जो बी टीम है जो पीछे से व्यापारियों का लेबल लगा करके और उनके समर्थन में काम करती है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि भाई जल्दी बाज़ार खुलेगा, उसके बाद उनसे आंदोलन कराया गया और आज अपने निवास पर बुला करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी कराई गई और मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा षड्यंत्र रचा गया। और जब
एक वीडियो में मैं देख रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री से बात हो गई है। हरिद्वार में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा सेवा ही संगठन के माध्यम से कोरोना मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने भाजपा युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आपदा की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए जन जागृति करनी चाहिए। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस अभियान के लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं। देखिए, इस आपदा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्येक मोर्चे ने अलग अलग पहलू पर काम किया। सेवा ही संगठन के माध्यम से आज हमारे युवा मोर्चे के द्वारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम, मास्क वितरण का कार्यक्रम, सैनिटाइज का वितरण, फल वितरण का कार्यक्रम, ये संदेश देने का काम है कि इस आपदा की घड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा भी कंधे से कंधा मिलाकर युवाओं के साथ है। मसूरी में आपूर्ति विभाग की ओर से सरकारी सस्ते और गल्ला की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपूर्ति विभाग ने राशन के स्टॉक को भी चेक किया और कार्ड धारकों को मिलने वाले राशन को लेकर भी जानकारी ली। मौके पर आपूर्ति निरीक्षक विवेक शाह ने कहा कि शहर के राशन की दुकानों को चेक किया जा रहा है, साथ ही ग्राहकों से भी दुकानों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। शासन के निर्देशों के अनुरूप जो अभी SOP जारी हुई है, करंट SOP में प्रातः 8 से 11 का टाइमिंग हमारा दुकान राशन FPS शॉप्स खुलने का है, तो उसमें हमने अभी चेकिंग अभियान चलाया है। रोज ही यहाँ पे चेकिंग अभियान चला रहे हैं लगातार। उसमें निर्देशन जो राशन दुकानों का निर्देशन है कि जो नियमानुसार जो राशन हमारे शासन से प्राप्त हो रहा है उसका वो नियमानुसार सबको वितरण करेंगे। अलग अलग योजनाओं में हमारी जो अलग अलग योजनाएँ हैं उसमें सरकार से जो हमें राशन प्राप्त हो रहा है लाभार्थियों को उसे लाभान्वित करने के लिए पूरा निर्देश दिए गए हैं। अभी मैं जो दुकान पर खड़ा हूँ तो मैंने कुछ उपभोक्ताओं से बात करी है, तो जिन उपभोक्ताओं ने जो राशन प्राप्त करने यहाँ पर आए थे तो उनका कहना था कि मैं राशन जो भी जिस योजना में उनका कार्ड है तो उसके हिसाब से राशन प्राप्त हो रहा है। स्टॉक भी हमने चेक किया है। मसूरी में नगर पालिका परिषद के पर्यावरण मित्रों की कॉलोनी में अचानक हादसा हो गया। दरअसल कॉलोनी के एक मकान की छत अचानक से गिर गई। परिवार का कहना है कि ठेकेदारों द्वारा खराब गुणवत्ता वाला मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से मकान की छत गिर गई है। घर के इस हाल की वजह से परिवार वाले फिलहाल खुले में सोने को मजबूर है। नरेंद्रनगर में इंदिरा फाउंडेशन के निदेशक एवं भाजपा सुशासन विभाग के प्रदेश संयोजक के प्रयासों के बाद मरीजों को राहत मिली है। राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट पहुंच चुका है। इस प्लांट के जरिए अस्पताल में मरीजों को मदद देने की कोशिश की जा रही है, साथ ही अस्पताल के कर्मचारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। को 500 LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट प्राप्त हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य इस समय चल रहा है। लगभग एक हफ्ते में या 10 दिन में ये प्लेटफॉर्म का कार्य पूरा हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 35 से 40 बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएगा। बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर दो ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था करी है उत्तराखंड के लिए। ये बड़े प्लांट्स हैं। एक प्लांट करीब 500 LPM का प्लांट है, मतलब कि 50 बेड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये और इनकी जो बाज़ार में कीमत है वो भी काफ़ी अधिक है, पर बहुत उसके लिए बहुत शुक्रगुजार। लालकुआ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नशे कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के 150 नशे के इंजेक्शन व सिरिंज बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ से NDPS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। ऋषिकेश में नए कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि कोविड के चलते उनकी प्राथमिकता रहेगी कि कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जाए, साथ ही शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। इसी के साथ शहर को और डेवलप करने में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें काम को भी चेक किया जाएगा। नए कोतवाल के आते ही शहरवासी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।
ऋषिकेश में नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून को नाबालिग घर से लापता हुई थी, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक्टिव होते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रुड़की में किसान कामगार मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार कोविड काल में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्होंने रुड़की के कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर बिना किसी भेदभाव के कुष्ठ रोगियों को फल बिस्किट भी वितरित किए। सुभाष नंबरदार ने कहा कि सभी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर सेवा में लगी हुई हैं, वहीं हमारा एक छोटा सा प्रयास भी मजबूर गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहा है। गरीब लोगों को मास्क ग्लव्स के साथ साथ राशन किट भी लगातार वितरित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड को कुदरत ने प्राकृतिक सुंदरता से नवाजा है और इसी सुंदरता की एक झलक देहरादून के जामन खाता गांव में भी देखने को मिल रही है। दरअसल गांव का तालाब कमल के फूलों से आजकल गुलजार हो गया है। तालाब के चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन फूलों के साथ साथ तालाब ने अपनी पहचान खो दी है। लोगों का कहना है कि कई और ऐसे तालाब है जिनकी देख रेख नहीं हो पा रही है और उन तालाबों पर कब्जा भी लगातार किया जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ विकास नगर तहसील के जामन खाता में, जहाँ पर एक कमल से खिला हुआ तालाब है। मैं अपने कैमरामैन से बोलता हूँ कि जरा दिखाइए कि ये तालाब जो है कैसे खिले हैं, कैसे जो है कमल के जो फूल हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय वासिंदे हैं इससे जो है अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बड़ी बात बता दूँ कि जो यहाँ के वासिंदे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये तालाब जो है इसके सौंदर्य के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, स्थानीय प्रशासन ने कुछ प्रयास किए हैं, ये बताइए। नहीं सर, अभी कोई प्रयास नहीं हुआ है, मगर अगर आप लोग आए हैं, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया इस तरफ, आप लोग न्यूज़ वाले पहुँचाएंगे सरकार को तो तभी सरकार ध्यान देगी इस जगह। अगर सरकार इसका सौंदर्यकरण करे तो रोज़गार बढ़ेगा गाँव के लिए, और गाँव के लड़के जो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो कुछ तो करेंगे रोज़गार अपना। ठीक है सर, तालाब में जो कमल खिले हुए हैं इनसे क्या कुछ मिलता है आपको? हाँ, सब्जी बनती है सर इसकी, कमल ककड़ी बोलते हैं, नीचे निकलती है, विष बोलते हैं उसको, तो अगर वो निकले उसमें भलाई होगी, मगर गांव में प्रधान लोग निकालने नहीं देते क्योंकि ये तालाब खराब हो जाएगा कि कमल कहते हैं, तो खैर निकालने से खराब ही हो जाता है, मगर उस हिसाब से निकलेगी, कुछ टुकड़ों में निकले, कोई टुकड़ों में निकले तो निकल सकती है और रोज़गार बढ़ेगा ही। सचमुच अगर हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार इन तालों का सौंदर्यकरण करें तो यहाँ के स्थानीय वासिंदों को पर्यटन की दृष्टि से या स्थानीय जो ताल जो कमल के जो कमल ककड़ी होती है उससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा। लेकिन अब देखना है कि इन तालों का सौंदर्य हमारी उत्तराखंड सरकार या स्थानीय प्रशासन करती है नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज। हरिद्वार में वन प्रभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से वन महकमे के लिए सिरदर्द बना कुख्यात वन तस्कर विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि वन तस्कर के 130 मुकदमे दर्ज हैं। हरिद्वार रेंज की टीम ने बहादराबाद क्षेत्र से कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया। हालांकि तस्कर के साथ मौजूद 4 अन्य वन तस्कर व मौके से फरार होने में सफल रहे। हरिद्वार प्रभाग की टीम ने तस्कर को जेल भेज दिया है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी और हमारे पास जो हमारा बादराबाद वाला क्षेत्र है वहाँ पे कुछ माफिया सागुन के पेड़ काटने आए थे और ये लगभग दिन में 2:30 बजे के बाद है। हमारी टीम तुरंत मौके पे गई और ये एक गैंग है जो इस तरफ से सक्रिय हो रहा था, तो इसमें लगभग 4-5 थे ये लोग, तो एक इनमें से हमारे हत्थे चढ़ गया और उसको हमने अपनी कस्टडी में लेके आज उसको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया है। और ये बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का अपराधी है, पहले भी इसके ऊपर लगभग 130 मामले हमारे राजाजी नेशनल पार्क। पहाड़ों के रिहायशी इलाकों में इन दिनों जंगली जानवरों का खतरा मंडरा रहा है। ऋषिकेश के रिहायशी इलाकों में इन दिनों हाथी पहुंच रहे हैं। हाथी की वजह से इलाके में भय का माहौल है। हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने एक टीम का भी गठन किया है और ये टीम शहरी क्षेत्रों से हाथी को खदेड़ने का काम कर रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।